ऑप्टिकल आइसोमियम वीडियो ऑन कर दो देखिए इसका नाम क्या है ऑप्टिकल आइसुमियम इसका तो नाम से ही लग रहा है कि शायद ये ऑप्टिक्स के रेस्पेक्ट में कुछ रहेगा तभी इसका नाम दिया गया है ऑप्टिकल आइस राइट तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइट समझना पड़ेगा जिसका नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट एवरी वन एनी ऑर्डिनरी इसको मैं लैंग्वेज दे दूँगा कोई भी ऑर्डिनरी लाइट पार्टिकल जैसे आप देखते होंगे गाड़ी अगर रात के अंधेरे में चला रहे हैं और आपकी गाड़ी का जो लाइट है वो किसी डस्ट पार्टिकल पर पड़ता है तो लगता है कि उसको स्कैटरिंग हो रहा है राइट तो इन समथिंग लाइक दैट कि जो भी मेरा लाइट पार्टिकल लाइक फोटोन तो एनी ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन मतलब उसका जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ वाइब्रेशन है ऑल डायरेक्शन में है इसलिए मैंने ऑर्डिनरी लाइट के लिए वाइब्रेशन का डायरेक्शन हर डायरेक्शन में दिखाया है करेक्ट बट इस ऑड ये मेरा ऑर्डिनरी लाइट है जो जनरल जो लाइट का हम लोग यूज करते हैं आप लोग कॉलेज वगैरह में जाइएगा तो एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है और इस ऑर्डिनरी लाइट को एक खास प्रिजम जिसको बोलते हैं निकोल प्रिजम कैल्शियम कार्बोनेट बना रहता है इस प्रिजम से अगर पास करते हैं देन इसका डिग्री ऑफ वाइब्रेशन सीज कर जाता है और सारा डिग्री ऑफ वाइब्रेशन जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था वो इट वाइब्रेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन इसका मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि साइकिल का स्पोक है साइकिल का स्पोक समझते ही हैं सारे स्पोक को एक डायरेक्शन में कर दिए राइट right? इसका मतलब है कि जो दिस ऑर्डिनरी लाइट जो ऑर्डिनरी लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था उन सब को किसी खास डायरेक्शन में पोलराइज कर दिए किसी खास डायरेक्शन में वाइब्रेशन करने के लिए बाध्य कर दिए करेक्ट कॉन्स्टेंट कर दिए दैट्स वाई इसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं पोलराइज लाइट करेक्ट ना एवरी वन तब थोड़ा सा तो समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी लाइट एंड वट द मीनिंग ऑफ पोलराइज लाइट तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यस एनी ऑर्डिनरी लाइट पार्टिकल वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन एनी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लाइट पार्टिकल वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन बट वेन दिस ऑर्डिनरी लाइट पार्टिकल पासिंग थ्रू द निकोल प्रिजम देन इट वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन तो जब ओनली वन डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुलराइ प्लेन पुलराइज लाइट बस इतना ही आपको जानना है करेक्ट चलिए नहीं तो देखिए एक्चुअली बहुत सारी चीज़ ऐसा है ना जिसमें कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है कैल्सियम कार्बन का रिफाइंड वे में तो हो सकता है ट्रांसपेरेंट बनाया गया हो इसमें होना तो कंपोनेंट कैल्सियम कार्बोनेट भी होता है और भी रहेगा जैसे कैसे हम लोग ग्लास तो ग्लास में नॉट ओनली सिल्का ही नहीं है और भी कंपोनेंट है राइट बट इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया गया है कि वो ओपेक हो भी सकता नहीं भी हो सकता है जैसे कभी कभी इस टाइप का भी ग्लास रहता है जो ओपेक रहता है कुछ कुछ ग्लास है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है राइट ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक बहुत फेमस टर्म चलेगा इस आइसो में बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एक्चुअल में ऑप्टिक्स के रेस्पेक्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू ऑप्टिक्स ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव करेक्ट इस बात को ध्यान सुनिएगा पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे एरोमेटिसिटी के रेस्पेक्ट में डिवाइड किया था ना तीन पार्ट में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वैसे ही डिवीजन करने का करने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अलग अलग तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलीमर पढ़ाते रहूंगा तो बोलूँगा टाइप ऑफ पॉलीमर विथ रिस्पेक्ट टू हीट थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग ये भी एक तरीका है नेचुरल आर्टिफिशियल ये भी एक डिवीजन का तरीका है फिर चेन पॉलीमर और उसके बाद स्टेप पॉलीमर ये भी एक तरीका है फिर होमोपोलीमर कोपोलीमर ये भी एक तरीका रहेगा देख मैं जाकर मजाक जाक में मैं टाइप ऑफ पॉलीमर बोल दिया तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को विथ रेस्पेक्ट टू तो ऑप्टिक्स का एक्टिविटी हम लोग दो, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे चलकर करें। एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव तो ऑप्टिकली एक्टिव किसे बोलेंगे तो जो लाइट पार्टिकल के साथ इंट्रैक्ट करेगा मतलब आप किसी के साथ इंट्रैक्ट करें मतलब आप उसके साथ एक्टिव हैं राइट इंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं मतलब ही नहीं है मतलब तो तो उसके रेस्पेक्ट में आप क्या हैं है इज राइट right? yes. तो मान लेते हैं कि मेरा यहां पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे स्टूडेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जिस ट्यूब में रखते हैं उस ट्यूब का नाम रहता है पोलरीमीटर, ठीक है दिस ट्यूब इज कॉल्ड पोलरी और यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड अब इस पोलराइज लाइट को इस प्लेन पोलराइज लाइट को इस कंपाउंड से पास करेंगे मतलब एक ट्रांसपेरेंट है यहां से पास कर सकता है ओके अगर ये इस कंपाउंड से पास करने के बाद ओवरऑल जब पास करने के बाद इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर इसका डिविएशन नहीं दिखा जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ है वही आफ्टर पासिंग थ्रू दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अगर मिलेगा इसका मतलब इसका ओवरऑल ओवरऑल इंट्रैक्शन नहीं हुआ करेक्ट ना इसका मतलब यह हुआ कि आप बिफोर पासिंग थ्रू दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका डिग्री ऑफ वाइब्रेशन अगर इस डायरेक्शन में था और आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कंपाउंड अगर डिग्री ऑफ वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है तब कंक्लूजन क्या देंगे कंक्लूजन देंगे कि गिवेन कंपाउंड इज वॉट गिवेन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकली इनेक्टिव और second क्या हो सकता केस क्या हो सकता है कि सर यहां से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर पास कर रहे हैं और इसका डिविएशन दिख रहा है तो डिवियेशन दिखने का दो ही सेंस हो सकता है या तो मेरे ओरिजिनल डायरेक्शन ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन है ओरिजिनल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में यह ऐसे शिफ्ट कर जा तो मैं मेरा यहाँ देखिए मैं ऐसे जा रहा हूँ मेरा डायरेक्शन ये है और मैं इस डायरेक्शन में चला गया तो लेफ्ट गया या राइट right गया राइट right? तो मैं right बा, right बा, मैं अगर मैं राइट पर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से राइट पर डायरेक्शन में अगर डिविएट करता हूँ तो उसको बोलूँगा डेक्स्ट्रो रोटेट्रे पढ़िए मेरे साथ डेक्स्ट्रो रोटेटरे यस और अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ और अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में चला गया तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो डिविएशन हुआ वो है लेबो रोटेट्री मतलब मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है लेबो रोटेट्री तो सर भार्ट वोट ऑप्टिकली एक्टिव तो भाई जब डिविएशन हो ही हो चुका है इसका मतलब ये अपना ओरिजिनल डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया इसका इसके साथ इंट्रैक्ट किया होगा तभी तो ऐसा हुआ राइट इसका मतलब है कि अगर अगर डिविएशन दिखता है तो मेरा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और अगर ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तब उसका दो कैटेगरी के या तो डेक्स्टो रोटेटरी रहेगा और नहीं तो सब कुछ लिखवाएंगे नहीं तो लेबो रोटेटरी रहेगा तो डेस्टो रोटेटरी कब बोलेंगे जब ओरिजिनल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन मूव करेगा राइट वर्ड डायरेक्शन में तब उसे बोलेंगे डेस्ट्रो रोटेटरी और लेबो रोटेटरी का बोलेंगे जब अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन मूव करेगा तब उसे बोलेंगे लेबो रोटेटरी इज इट राइट आपको कौन सा डेक्सटो रोटेटरी मेरा है कौन सा डेक्सटो रोटेटरी दिख रहा है और कौन सा लेबो रोटेटरी राइट वर्ड वन लुक्स लाइक वॉट लेव मतलब लेभो रोटेट्री और अगर डिविएशन हुआ मतलब ए कौन सा कैटेगरी रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ तक आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ सब कुछ लिखा अभी समझिए सिर्फ मैं टाइम दूंगा लिखने का और डायग्राम ड्रॉ करने का तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि सर हम लोग इस काम के लिए इतना बढ़िया प्रिजम का क्यों यूज़ कर रहे हैं ऑर्डिनरी लाइट का ही कर लेते बट क्या ऑर्डिनरी लाइट से आप ओवरऑल कंक्लूजन दे पाते बिफोर पासिंग थ्रू दिस कंपाउंड और जिस कंपाउंड में इसको रखते हैं जिस कंटेनर में उसका स्पेशल नाम दिया गया है क्या पोलरी राइट तो अगर ऑर्डिनरी लाइट रहता तो बिफोर पासिंग ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन और यहाँ से पास भी करता तब भी तो ऑल डायरेक्शन वाइब्रेट करता रहता तो आपको ओवरऑल पता चल पाता क्या कि इसका डिविएसन हुआ या नहीं हुआ या इंट्रैक्ट किया या नहीं किया नहीं पता चल पाता दिस इज द वजह कि हम लोग ऑप्टिकली किसी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिक्स लाइट के साथ एक्टिव है या नहीं है उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ लाइट का फ्रेम किया है जिसका नाम क्या दिया गया है प्लेन पोलराइज लाइट इसका तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है वो किस टाइप के लाइट के साथ बताया गया है प्लेन पोलराइज लाइट करेक्ट ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन समटाइम्स इट इज नॉट कंपल्सरी के यहाँ पे कोई प्योर ऑप्टिकली प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अरे इट माइट भी हो सकता है कि अंदर में लाइट अंदर में लाइट अपना डायरेक्शन ऐसे और ऐसे चेंज किया बट अंदर में वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है इसमें मेरा लुकआउट नहीं है मुझे अंदर में देखना है या यहां से पास करने के बाद ऑब्जर्व करना है पास करने के बाद ऑब्जर्व करना है हो सकता है कि कोई आपको पंद्रह डिग्री से फिफ्टीन डिग्री से राइट बर्ड में आपको ऐसे कर दिया मैं जा रहा हूँ अब फिफ्टीन डिग्री से राइट बर्ड पहले मुड़ गया और कुछ देर के बाद फिर से फिफ्टीन डिग्री से लेफ्ट बर्ड मूव कर गया तो मेरा ओवरऑल डिविएशन भाई मैं जा रहा हूं फिफ्टीन डिग्री से ऐसे ले लिया फिर फिफ्टीन डिग्री से लेफ्ट आउट हो गया तो ओवरऑल फिर से मैं उसी रास्ते पर आ गया ना पैरल इसका मतलब है कि ऐसा होगा कि समटाइम्स यहां पे ऐसा भी दो कंपाउंड हो सकता है दो ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसने इस लाइट को पंद्रह डिग्री से राइट right कर दिया अब पंद्रह डिग्री अब कोई कंपाउंड दूसरा कंपाउंड पंद्रह फिफ्टीन डिग्री से लेफ्ट वर्ड कर दिया इसका मतलब अंदर में जो दो कंपाउंड है वो इंडिविजुअली एक्टिव है लेकिन दोनों का इफेक्ट मिलाकर मिक्सचर को क्या कर दिया है इनएक्टिव कर दिया है करेक्ट मतलब ऐसा हो सकता है कि टू इंडिविजुअल कंपाउंड टू देख देखें कभी कभी दो तेज़ लोग मिलते हैं और काम करते हैं तो काम खराब हो जाता है सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं ओवरऑल जीरो हो जाता है वैसे यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे दो कंपाउंड हो और दोनों को इक्वी मोलर इक्वी मोलर मतलब इक्वल मोलक्वल्स इक्वल मोल्स और एक ने क्या किया राइट वर्ड ट्वेंटी डिग्री से दूसरे ने क्या किया लेफ्ट वर्ड ट्वेंटी डिग्री से और रिजल्ट क्या हो गया जीरो इसका मतलब सर बोथ हर इंडिविजुअली एक्टिव बट मिक्सचर बिकम्स इनएक्टिव राइट yes, तो भाई इसी का नाम आगे चलकर दे दूंगा इनन्शियो मिक्सचर और रेशमी मिक्सचर नाम थोड़ा बहुत पक्का सुने होंगे राइट इसी को नाम आगे चा, आगे जाल कर क्या देने वाले हैं इनन्सियो मिक्सचर इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कंपाउंड रहेगा वो प्योर ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड भी हो सकता है बट मुझे मतलब है ओवरऑल डिविएशन से राइट अब मिक्सचर रहेगा तो बोलेंगे मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ऐसा रहेगा तो बोलेंगे मिक्सचर इज एक्टिव इसका मतलब इसके अंदर जो है उसके बारे में ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है ये बात करना है इट माइट भी ये मिक्सचर भी हो सकता है और प्योर कंपाउंड भी हो सकता है करेक्ट ना एवरीवन चलिए तो ए डायग्राम बना लीजिए मैं एक सब लिखूंगा लिखूंगा पहले आप डायग्राम बनाइए इसको स्मॉल डी से small, इसको स्मॉल एल से कीजिए इसको <coughs> हटाएं मतलब या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा और नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा और ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कौन डिसाइड करेगा किसके रेस्पेक्ट में सर प्लेन पोलराइज लाइट के रेस्पेक्ट में राइट ऑर्डिनरी लाइट के रेस्पेक्ट में या प्लेन पोलराइज लाइट के रेस्पेक्ट में सर इट इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू यस yes. अब इसमें दो बात हो सकता है अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो डेस्को रोटेटरी रहेगा और नहीं तो क्या हो सकता है लेबो रोटेटरी डेक्स्ट को आज के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब यहाँ देखिए स्टूडेंट अगर किसी एक डायरेक्शन के साथ किसी एक डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में किसी खास डायरेक्शन का एंगल का साइन अगर पॉजिटिव देते हैं तो दूसरे डायरेक्शन का एंगल का साइन क्या देना है निगेटिव तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में राइट वर्ड जो ओरिजिनल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में जो राइट वर्ड डिविएशन होता है उसको प्लस साइन दिया गया है मैं नहीं दे रहा हूँ अपनी तरफ से एक कन्वेंसन प्लस साइन दिया गया है तो लेबोरेट रोत, लेबोरेटरी लेफ्टो डायरेक्शन डिफिएशन को क्या दिया जाएगा माइनस साइन और आज के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए डेस्ट रोटेटरी के लिए ऑलवेज स्मॉल डी यूज करना है नॉट कैपिटल डी कौन सा डी स्मॉल डी और इसका साइन क्या देना क्या रहेगा एंगल का इसका मतलब कभी भी अगर मैं प्लस वन वन टू डिग्री लिखता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव है एंड डिफिएसन इज प्लस वन वन डिग्री वन वन टू डिग्री प्लस साइन दे रहा हूँ मतलब डिफॉल्ट में आपके दिमाग में आना चाहिए दे, राइट और लेबोरेटरी के लिए आज के बाद नॉट कैपिटल एल कैपिटल डी और कैपिटल एल अगर यूज जगह तो बहुत कमाल का बात हो जाएगा और जैसे आप जानते भी होंगे नाम सुनो ना ग्लुकोन डी कैपिटल डी भाई ग्लूकोन ए डी कभी नहीं लिखे, लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा स्मॉल लीटर देते हैं ऑलवेज ग्लूकोन डी ही लिखा हुआ मिलेगा राइट और ग्लूकोन कैपिटल एल तो मिलेगा ही नहीं नहीं तो कंपनी ही शट डाउन हो जाएगा बंद हो जाएगा बाद में पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट में बायोमोलिक्स में फर्स्ट में ही आपका है ये अगर अमृत है तो पॉइजन है ग्लूकोज दो ग्लूकोस नाम सुने ना ओज ग्लूकोज दो होता है ग्लूकोज डी और ग्लूकोज डी ग्लूकोज एल ये पॉइजन नहीं है और है ठीक है इसलिए कैपिटल डी और कैपिटल एल नहीं डेक्टोरेटेट्री और लेबोरेटेटरी के लिए ऑलवेज क्या स्मॉल डी और स्मॉल एल इसका एंगल का साइन के आगे क्या देंगे निगेटिव साइन करेक्ट ठीक है इसके लिए एक लाइन लिख लेंगे आप लोग लिखिए यहां पे इसका मतलब इसमें रोटेशन कैसे होगा ओरिजिनल अगर मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन है तो इसमें रोटेशन राइट लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड राइट नीचे लिख लीजिए एक लाइन इफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन राइट वर्ड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन इफ इफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट ज इन राइट व डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिनल डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रोरोटरी और इसके लिए क्या लिखेंगे इफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन लेफ्ट व डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड टरी बट ए कब कब किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं बिफोर पासिंग आफ्टर पासिंग बिफोर पासिंग वॉट बिफोर पासिंग इन पोलरी मीटर जहां पर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है ऑर्गेनिक का इसको चेक करने के लिए खास टाइप का इक्विपमेंट यूज करता है जिसका नाम है पोलरी मीटर राइट तो यहां तक इस बात को समझने में किसी को प्रॉब्लम की ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट के रेस्पेक्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनैक्टिव और अगर ऑप्टिकली उप, इनेक्टिव कब रहेगा ऑप्टिकली यहाँ देखिएगा समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल मिक्सर इज इनेक्टिव बट उसमें इंडिविजुअल एक्टिव राइट ओवरऑल मिक्सर इज इनेक्टिव बट उसमें इंडिविजुअल एक्टिव भी हो सकता है समटाइम्स ऐसा हो सकता हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कैसे एक मॉलिक्यूल ने 20 डिग्री से राइट कर दिया और दूसरे मॉलिक्यूल ने 20 डिग्री से लेफ्ट कर दिया और दोनों का रिजल्ट है। हम लोग तो दिखेंगे रिजल्टेंट जब पास करेगा पोलरिमीटर से राइट तब उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे उस टाइम पे हम लोग ऐसा सेंटेंस बोलेंगे कि मॉलिकुल्स आर इंडिविजुअल कंपाउंड आर एक्टिव बट ओवरऑल मिक्सचर इज इनएक्टिव इज इट राइट कंपेयर करेंगे बिफोर एंड आफ्टर करेक्ट मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन कैसे पता चलेगा बिफोर पासिंग राइट कि किधर जा रहा था yes, ठीक है इसको फाइव स्टार ही दीजिए काइरल सेंटर कि अभी हम लोग सिर्फ कार्बन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बट इट इज नॉट कंपल्सरी कायरल सेंटर सिर्फ कार्बन ही होगा अदर देन कार्बन भी होता है और वो भी हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है बट वो बहुत कम पढ़ना है ओके? Okay? <coughs> तो यहां देखिए स्टूडेंट मैंने क्या लिखा कायरल सेंटर या कायरल कार्बन क्या पूरा मॉलिक्यूल का लिखा या सिर्फ किसी एक कार्बन का बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिग कन्फ्यूजन है इसका मतलब कायरल कार्बन अलग कॉन्सेप्ट और कायरल मॉलिक्यूल अलग कॉन्सेप्ट है इज राइट मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कायरल कार्बन मतलब किसी कंपाउंड में एक कार्बन को देख रहे हैं और कायरल मॉलिक्यूल मतलब ओवर और को देख रहे हैं राइट और दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस है दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है राइट बट मुझे अपने टाइम पे कन्फ्यूजन ये होता था कि कायरल कार्बन और कायरल एक ही समझ लेते थे बट कायरल कार्बन का ही दूसरा नाम क्या है कायरल सेंटर उसी का तीसरा नाम क्या है बोलिए ए और सीमेट्रिक को साथ लिखना नहीं तो उल्टा डिगे हो जाएगा ऑन एटी से डिफरेंस हो जाएगा कॉन्सेप्ट में ए और सीमेट्रिक को अलग अलग लिख दीजिएगा मतलब तो वन सीमेट्रिक कार्बन इसलिए साथ में लिखने का मतलब इट इज़ नॉट इसका मतलब डी सीमेट्रिक कार्बन ए सीमेट्रिक को साथ में लिख रहा है मतलब इट इज़ डी सीमेट्रिक कार्बन करेक्ट इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस से सी स्टार से करेक्ट है डिफिनेशन लिखिए अच्छा पढ़ाया था क्या थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा बस इंट्रोडक्शन क्लास इलेवेंथ के एग्जाम के लिए बहुत छोटा छोटा सा बट उतना ही नहीं है अभी आगे बढ़िएगा तो इसमें बहुत कुछ है the carbon atom having four different group the carbon atom having four different group the carbon atom having four different group or atom is called chiral center or chiral carbon द कार्बन के मैंने क्या लिखवाया द कार्बन हैविंग हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप फोर डिफरेंट ग्रुप देन उस टाइप के कार्बन को क्या बोलेंगे कायरल कार्बन और कायरल सेंटर इट राइट इसका मतलब सर G1, G2, G3 एंड G4 फोर इसे तो किसी कार्बन से चार ग्रुप अगर बना हुआ रहेगा यहां देखना है तो मिनिमम चार सिग्मा बोन तो होना ही पड़ेगा कार्बन के चारों तरफ yes, इसका मतलब है कि सर कार्बन के पास फिर पाइबोन नहीं रहेगा कार्बन के लिए मैं बात कर रहा हूं और अगर चार सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो इसका हाइड्रोजन एसपी थ्री रहेगा करेक्ट yes, इसका मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ओनली एस पी थ्री कार्बन कैन बी कायरल कार्बन मस्ट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि डिफरेंट ग्रुप भी होना पड़ेगा एस पी थ्री है और फोर डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं तो कायरल नहीं रहेगा इट राइट बट इन टर्म्स ऑफ हाइड्राइजन अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोन विस टाइप ऑफ कार्बन शुड बी कैन बी कायरल कार्बन तो इज ओनली एसपी थ्री कार्बन नॉट एस पी टू एन एस पी इट राइट लिखिए एक लाइन नोट करके इन टर्म्स ऑफ हाइब्राइजन इन टर्म्स ऑफ हाइब्रोडाइजेशन ओनली एस पी थ्री कार्बन कैन बी कायरल कार्बन Not sp2 and sp, not sp2 and sp. In terms of hybridization, only sp3 carbon can be chiral carbon. Not पी टू एंड एस पी ओके अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं क्या यहां जो प्रेजेंट कार्बन है उसको कायरल कार्बन बोल सकते हैं तो यहां पे सी एसटार कितना जीरो कायरल कार्बन जेई मेन का जो ऑर्गेनिक का रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आता है वो यहाँ से मिक्स करके आता है इसलिए इस पार्ट पे फोकस करना है हाउ मनी कायरल कार्बन इस पूरे कंपाउंड में कार्बन तो चार है राइट हाउ मनी कायरल कार्बन इस कार्बन पे तो सर तीन हाइड्रोन हो गया फोर डिफरेंट ग्रुप नहीं है इस कार्बन पे Good. सर दो तो डिफरेंट ग्रुप था इस कार्बन को फोकस करेंगे तो इसके एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ इथाइल बट दो हाइड्रोन सिमिलर हो गया राइट तो क्या कायरल रहेगा क्या है एक कायरल रहेगा क्या एक कायरल रहेगा देन हाउ मेनी कायरल कार्बन जीरो इस पूरे कंपाउंड में हाउ मेनी कायरल कार्बन एनभी कार्बन इज कायरल कार्बन यस इस पर चार डिफरेंट ग्रुप का नाम बताएं सर एक तो सी एस थ्री है दूसरा क्लोरीन है और तीसरा इथाइल और एक हाइड्रोजन है राइट right? इसका मतलब कायरल सेंटर इक्वल टू वन अगर ध्यान से देखेंगे तो यही है ना भाई तो बोर्ड के एग्जाम में एक बार यही आया हुआ है कि इस कंपाउंड में कितना कायरल कार्बन सेवा बोर्ड में इस कंपाउंड में हाउ मनी कायरल कार्बन तो ये वन मार्क्स का आया तो बन जाएगा सी स्टार इक्वल टू वन और सी आई पी रूल तो सब लोग पढ़े हुए हैं पता है ना तो इन सी आई पी रूल इन सी आई पी रूल हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम बिहेव लाइक सेम ग्रुप या टू डिफरेंट ग्रुप हाइड्रोजन एंड ड्यूटोरियम ऑल्सो बिहेव लाइक टू डिफरेंट ग्रुप और जिसमें ड्यूटोरियम का प्रायोरिटी ज्यादा था इट राइट और सी आई पी रूल में लोन पेयर ऑल्सो बिहेव लाइक ए ग्रुप और जिनको नहीं पता है तो लोन सर आपने तो सी आई पी रूल में प्रायोरिटी सिखाया है तो लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर का सबसे कम प्रायोरिटी देंगे करेक्ट बोलिए हाउ मेनी कायरल सेंटर ओके वेरी गुड टू है इस कायरल सेंटर पे कौन कौन सा ग्रुप नाम ज़रा पढ़िए तो सर एक क्लोरीन है एक हाइड्रोन एक मिथाइल है आधर का पूरा इसके लिए यस yes. और इस पे कौन कौन सा ग्रुप तो सर मिथाइल क्लोरीन हाइड्रोन इधर का पूरा तो इस कायरल वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहां देखना है इस कायरल चार डिफरेंट ग्रुप है क्या वही चार डिफरेंट ग्रुप यहां पे भी है या अलग है इसका मतलब दोनों तो कायरल है बट सर बोथ आर सिमिलर कायरल सेंटर एक डिफ्रेंसन एक नया बात बोले विश्व टू कायरल सेंटर और सिमिलर कायरल सेंटर तो वैसा दो कायरल सेंटर जिसपे चार का चार ग्रुप सेम ही हो राइट जो यहां पे चार डिफरेंट है वही चार डिफरेंट अगर यहां पे रहेगा तो उस टाइप के कायरल सेंटर को आज के बाद बोलेंगे सिमिलर कायरल सेंटर सबके दिमाग में चला गया बात इसका हम तो सी स्टार इक्वल टू टू बट क्या लिखे डी सिमिलर कायरल सेंटर या सिमिलर कायरल सेंटर सिमिलर सेंटर समझ गए तो आप लोग सिमिलर सेंटर का कारिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो खुद के लैंग्वेज में क्या बनाइएगा सेंटेंस मतलब कहने का सेंस है कि दोनों कायरल सेंटर पे फोर डिफरेंट ग्रुप अगर इस सेंटर पे जो डिफरेंट चार डिफरेंट ग्रुप है वही फोर डिफरेंट ग्रुप उस पर भी अगर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे नाम देंगे सिमिलर सेंटर इस बात को जैसे मैं बोला हूँ वैसे ही लिख लीजिए ठीक है और अगर लगता है कि समझ गया सर लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है तभी काम चलेगा ठीक है ना हाँ कायरल सेंटर सर दो कायरल सेंटर है करेक्ट और दोनों कायरल सेंटर पर अगर एक भी ग्रुप डिफरेंट हो गया तो उसको हम लोग डी सिमिलर कायरल सेंटर बोलेंगे तो इस कायरल सेंटर पे और इस कायरल सेंटर पे कितना ग्रुप सिमिलर है कितना ग्रुप डी सिमिलर है दोनों तो डी सिमिलर है पक्का राइट इन दोनों सेंटर को क्या यहां पे जो चार है वही चार यहां पे है यहां पे ही तो डिफरेंस आ गया यहां पे क्लोरीन है यहां पे ब्रोमीन है राइट इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे सिमिलर या डिसिमिलर कायरल सेंटर डिसिमिलर कायरल सेंटर इट राइट बट डिसिमिलर में भी इसपे या इसपे कितना ग्रुप डिफरेंट है दो ग्रुप डिफरेंट है भाई एक क्लोरीन एक ब्रोमीन और इसके बाद इसको छोड़कर इधर का जो एक ग्रुप है बड़ा वाला सर्किल और इसके लिए ये जो बड़ा वाला सर्किल है सेम सर्किल है इसका मतलब ये मुझे कहीं पे रिक्वायरमेंट होगा नॉमल में जो मैं बोल रहा हूँ इसका तो इन दोनों सेंटर पे का बहुत डिसिमिलर हाँ बट इन दोनों पे कितना ग्रुप सिमिलर है दो ग्रुप सिमिलर है सेम टाइप है दो ग्रुप आइडेंटिकल है बट दो ग्रुप डिफरेंट है दो ग्रुप आइडेंटिकल कौन है हाइड्रोजन एंड मिथाइल और डिफरेंट कौन है सर क्लोरो प्रोमो एक डिफरेंट हो गया और दूसरा ये बड़ा इसका ये बड़ा सर्किल इस ये बड़ा सर्किल इसके लिए एक ग्रुप का काम कर रहा था एक मिनट रुकिए ये बड़ा सर्किल इसके लिए एक ग्रुप का काम कर रहा था राइट और ये बड़ा सर्किल इसके लिए ग्रुप का काम होता है दोनों बड़ा सर्किल क्या सेम टाइप ऑफ सर्किल है सेम टाइप ऑफ ग्रुप है या डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप है इज इट राइट दस इन दोनों कायरल सेंटर पे दो ग्रुप सिमिलर है आइडेंटिकल और दो ग्रुप डिफरेंट हो गया राइट करेक्ट ना और देखिए ऑप्टिकल आइसोमिजम के सिलेबस में ऐसे तो मैं आपको चार कायरल सेंटर तक पढ़ाऊंगा बट मोस्टली ऑप्टिकल आइजन का सिलेबस में जो आपको पढ़ना है जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम दो या हार्डली तीन कायरल सेंटर तक आएगा बट सर आपने तो अभी चार बोला चार में बायोमोलिकल्स के रेस्पेक्ट में बोल दिया ग्लूकोज फ्रक्टोज इन सब में कार्बोहाइड्रेट में मुझे चार कायरल सेंटर तक डील करना होता है बस उस फ्यू केसेस में अदरवाइज मेनली जो हम लोग का सिलेबस है वो दो कायरल सेंटर तक ही है तो सर दो क्वेश्चन तो बहुत कम हो गया फिर इतना में ही काफी कुछ पढ़ना है ठीक है हो गया ना हाउ मैनी कायरल सेंटर इस कंपाउंड में कितना कायरल सेंटर है एवरी वन ये सब लोग का आंसर चाहिए हाउनी कार्यल सेंटर मुझे लगता है कि इसमें एक भी कारियल सेंटर नहीं है ध्यान जन देखिए यहां पे दो हाइड्रोजन हो गया क्या इसमें चार डिफरेंट ग्रुप हुआ इस पर दो हाइड्रोन हो गया क्या चार डिफरेंट ग्रुप है नहीं है तो सर इसको एनालाइज कर रहे थे तो जब इसे एनालाइज कर रहे थे तो बताए थे टाइप ऑफ कार्बन मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग यहाँ से इस तरफ एक कार इस तरफ का ग्रुप इसके लिए और इस तरफ का ग्रुप इस तरीके से इसको सिमेट्रिकली मैं बैठाया था कि इस तरफ का और इस तरफ का ग्रुप डिफरेंट ग्रुप नज़र आएगा या आइडेंटिकल सेम ग्रुप आइडेंटिकल नज़र आ गया बिकॉज एक कार्बन और एक कार्बन सेम टाइप ऑफ कार्बन इज इट राइट टाइप ऑफ कार्बन इसका मतलब यहाँ पे कायरल सेंटर कितना है कायरल सेंटर जीरो है करेक्ट ना एक क्वेश्चन आ जाएगा yes, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए कि सर जीरो कैसे हुआ और अगर टाइप ऑफ कार्बन पढ़े हुए हैं तो पूछने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा इस केस में हाउ मेनी कायरल सेंटर वेरी गुड सर इस केस में तो टू होगा बोले क्यों अगर इस कार्बन को फोकस करते हैं तो मेरे पास ग्रुप है हाइड्रोजन क्लोरीन और सीएस टू यहां पर सीएस टू ना याद रखे तो इसके जस्ट इधर आए सी एस टू इधर क्या है सी एच टू है या सी एच है सी एच इसका मतलब इस पर जो चार ग्रुप हम लोग के माइंड में कंसिडर जो करेंगे वो फोर आर डिफरेंट राइट तो सर यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया था यहाँ पे नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पे इस तरह बढ़े थे सी एच टू सी एच टू फिर आगे बढ़े सी CH2 टू सी एच टू फिर आगे बढ़े सेम कार्बन पे आ गए थे राइट right? yes, तो मुझे डिफरेंट ग्रुप नहीं मिला था इस लेकिन यहां पे चार डिफरेंट ग्रुप इसके लिए मिल रहा है और इसके लिए भी चार डिफरेंट ग्रुप मिलेगा कैसे एच बी आर इधर सी एच टू इधर सी एच राइट कार्बन जिसके पास दो हाइड्रोन है ऐसा कार्बन जिसके पास एक क्लोरीन है ऐसे इन डिफरेंट ग्रुप दिख गया तो यहां पे सी एस स्टार इक्वल टू कितना सर टू बट सिमिलर या डिसिमिलर डिसिमिलर हाँ किसके लिए इसके लिए और इसके लिए तो कायरल सेंटर का डिफरेंसन बोलिए डिफरेंस या नहीं है उसके लिए दो सेंटर को एक साथ सोचते हैं या वन बाई वन वन बाई वन मतलब किसी कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप हो और जिस कार्बन को हम लोग कायरल सेंटर डिसाइड करते रहते कायरल सेंटर है या नहीं है तो सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं उस पर चार डिफरेंट ग्रुप देखते हैं राइट या सारे कायरल सेंटर को एट ए टाइम एनालाइज करेंगे मैंने लिखवाया ये बात इफ एनी कार्बन हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप तो एनी कार्बन तो उस कार्बन पर पहले फोकस करना है तो इस कार्बन पर देखेंगे तो फिर इस कार्बन को उस टाइम पर मत देखिए कि इसके पास ऐसे इसके पास जो है उसके पास है या नहीं है पहले तो आपको डिसाइड करना है कि कायरल है या नहीं राइट नहीं। तो इस कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप है बोलिए है सर एच है सी एल है और इस तरफ सी एस टू है और इधर सी एच है तो इसमें चार डिफरेंट ग्रुप दिखा मतलब ये कायरल है राइट एक्जैक्टली अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कायरल है वाट अबाउट दिस कार्बन इसमें चार डिफरेंट ग्रुप है यहाँ पे क्या है मेरा लुकआउट नहीं है बट यहाँ पे इस कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप है या नहीं है ये मेरा लुकआउट है कायरल डिसाइड करने के लिए तो यहाँ पे चार डिफरेंट ग्रुप है एच बी आर सी एच टू और इधर सी एच करेक्ट इसका मतलब है सर कायरल सेंटर दो है बट बोथ आर सिमिलर या डिसिमिलर बोथ आर डिसिमिलर किसके वजह से हो गया मिल आकर डिसिमिलर कर दिया बट दोनों बट दोनों पे दो ग्रुप सिमिलर है कौन कौन सा एच और सी एच टू एच और सी एच टू राइट ये आप बोल सकते हैं करेक्ट हाउ मेनी कार्यल सेंटर सब लोग बोलेंगे हाउ हाउ मैनी कार्यल सेंटर एवरी वन सर सेंटर जीरो है राइट right? बजा सर इधर का ग्रुप इधर ग्रुप सेम ग्रुप है नाउ हाउ मेनी कायरल सेंटर अब वन हो जाएगा क्योंकि सर अब इस तरफ का प्रज्ञान गोस्वामी म्यूट कीजिए तो अब इस तरफ का ग्रुप और इस तरफ का ग्रुप सेम ग्रुप नहीं डिफरेंट ग्रुप रहेगा ये रहे राइट इसका मतलब हाउमनी कायरल सेंटर वन रहेगा इसका मतलब क्या कायरल सेंटर आप लोग डिसाइड कर पाएंगे एक और एग्जांपल लेते हैं हाउमनी कायरल सेंटर सी एस स्टार इक्वल टू टू सिमिलर या डिसिमिलर सिमिलर हाउ मेनी कायरल सेंटर फास्ट सिमिलर या डिसिमिलर ना yes, इसको हटाए बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवडो कारल सेंटर सीडो कायरल सेंटर का मतलब सर कभी होगा और कभी नहीं होगा राइट सीडो कायरल सेंटर का मतलब कभी वो कायरल रहेगा और कभी कायरल नहीं भी रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन राइट इसको अभी इसको नहीं लिखना है इसको अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा अंडर द हेडिंग सीडो कायरल कार्बन ठीक है बस देख लीजिए इस कार्बन के लिए मैं बात कर रहा हूं एक कार्बन कायरल है या नहीं है तो ये तो सीस है और ये भी तो सीस है वही तो ड्रॉ करके दिखाए हैं राइट यस नहीं था सर स्ट्रक्चर वाइज तो दोनों सेम है कनेक्टिविटी वाइज राइट कनेक्टिविटी वाइज तो सेम ना एक ग्रुप और एक ग्रुप बट जोमेट्रिकली डिफरेंट राइट दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांस एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सी सी राइट तो ज्योमेट्रिकली इसको सेम ग्रुप माना जाएगा या डिफरेंट ग्रुप माना जाएगा डिफरेंट yes, ग्रुप माना जाएगा राइट right? तब तो ये जीवन और जी टू का काम करेगा तब नाउ इट बिकम्स राइट इसका मतलब है कि इसका वन ऑफ द कॉन्फिग्रेशन में एक एक कायरल सेंटर नहीं था और यहाँ पर कायरल सेंटर है शीस और सीश के लिए कायरल नहीं है और शीस और ट्रांस के लिए एक कायरल बन गया तो इस टाइप इस का सिचुएशन को इसको लिखना नहीं है इस टाइप के सिचुएशन को ही हम लोग बोलते हैं सीडो कायरल कार्बन इस टाइप सीडो कायरल कार्बन समझ गए ना एवरी वन yes, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डेमो दिया कि हम लोग को ज्योमेटिकल ऑप्टिकल दोनों मिक्स करके भी पढ़ना है आगे ठीक है नहीं अभी नहीं लिखना है मैं पहले ही बोल दिया ना कि इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि सीवडो कायरल के लिए और भी एग्जाम्पल है सबको एक साथ लिखेंगे सिस्टमेटिक रहेगा चलिए स्टूडेंट मतलब यहाँ तक तो आप समझ गए कि कायरल सेंटर अब हेडिंग बनाइएगा Presentation of configuration, presentation of configuration of chiral center, presentation of configuration of chiral center. प्रजेंटेशन का, का तीन मेथड एडॉप्ट किया गया है वन ऑफ द मेथड का नाम है वेज प्रेजेंटेशन नाम आप लोग पक्का सुने हैं, राइट दूसरे प्रेजेंटेशन का नाम है फीसर प्रेजेंटेशन थर्ड प्रेजेंटेशन का नाम है बोलिए एनसीआरटी में है कौन सा प्रेजेंटेशन समझ गए ये तीन प्रेजेंटेशन एग्जाम में आ सकता है अरे सब किसका प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन का मतलब क्या स्काइरल सेंटर को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका राइट उसे सब फर्स्ट लिखिए वेज प्रेजेंटेशन देखिए स्टूडेंट बेज पर इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बेज प्रजेंटेशन में किसी भी कायरल सेंटर को अगर बेज प्रजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो उस कायरल सेंटर से अटैच दो बॉन्ड को किसी खास प्लेन में रखना है समथिंग लाइक ए बी और बाकी दो बॉन्ड ये हम लोग जानते भी हैं बाकी दो बॉन्ड कैसे रहेगा एवरी सर जिस प्लेन में ए है उस प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर इस कायरल कार्बन को मैं बेज प्रजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो अगर मेरा ग्रुप ए बी और ये कायरल कार्बन अगर मेरा व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ इससे अटैच जो चार डिफरेंट ग्रुप था उसमें दो डिफरेंट ग्रुप व्हाइट बोर्ड के बिलो चला जाएगा सिमेट्रिकली और वाइट बोर्ड के एवब रहेगा इसी प्रजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं बेज प्रजेंटेशन करेक्ट ड्रॉ कर लीजिए क्या इसमें लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग समझ गए में एक कंफ्यूजन है कि सर ए बी एम एन में किसको व्हाइट बोर्ड में रखेंगे वो आपकी मर्जी है रैंडम है यहां पे जब सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा कि इन बेज प्रेजेंटेशन और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है तो जहां मर्जी में चार क्वेश्चन दे दिया, दिया वन टू तो, थ्री एंड फोर जहां मर्जी वो चार डिफरेंट ग्रुप को बैठा सकते हैं करेक्ट yes, अब लिखिए फिशर प्रेजेंटेशन हाँ मैंने वेज प्रेजेंटेशन के लिए बोला कि जब आप वेज प्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी एस पी थ्री हाउसेंट के टाइम पे बताया था राइट तो मैंने बोला कि अगर किसी इस कायरल सेंटर को अगर वेज वेज प्रजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो इससे अटैच फोर डिफरेंट ग्रुप को आप जहां मर्जी वहां रख सकते हैं अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रॉ दिस कायरल सेंटर वनली इन बेज प्रेजेंटेशन ओके अब देखिए हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूं फिर से बोली तो मैं सुना नहीं आपकी बात को नहीं बेज प्रेजेंटेशन नॉट ओनली फॉर कायरल कार्बन क्योंकि हम लोग हार्डासन में तो विदाउट कायरल कार्बन भी देखे थे बट एक्चुअली में जो फर्स्ट टाइम इस पर काम किया गया था वो कायरल सेंटर के लिए ही किया गया था बट उसका हम लोग लाभ हार्डसन में कुछ चीज़ को समझाने के लिए भी दे लिए थे राइट बट इट इज़ नॉट कंपल खास कर मैं बेज प्रेजेंटेशन के लिए बात कर रहा हूँ बाकी के लिए नहीं बेस प्रेजेंटेशन कायरल कार्बन के लिए भी यूज कर सकते हैं और दूसरे जगह के लिए दूसरे कार्बन के लिए भी यूज कर सकते हैं करेक्ट लेकिन बाकी फीसर एंड सोहर्स और दूसरे के लिए हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं यहां देखिए सबसे पहले किसका साइन है क्रॉस नहीं भाई इट इज प्लस साइन थोड़ा टेढ़ा रहेगा उसको इग्नोर कीजिएगा दिस एक किसका साइन है? है, है प्लस का ओके इस प्लस वाले में से जो दो हॉ होर, दो हॉर्जेंटल जो है मेरे रेस्पेक्ट में तो ये हॉरिजेंटल है वर्टिकल हो गया जहाँ से मैं देख रहा हूँ इस दो हॉर्जेंटल वाले को ऊपर कर दीजिए करेक्ट ये दो वर्टिकल वाले को नीचे कर दीजिए अगर गिरता नहीं मारकर है तो ठीक है अब कैसा लग रहा है देखिए तो सर एग्जैक्टली इट इज काइंड ऑफ टेट्रा हेडल अगर ध्यान से देखिएगा तो हाँ ना बोलेंगे ही नहीं आप लोग नजर नहीं आ रहा है यस yes, को ऊपर कर दिया दोनों को नीचे कर दिया राइट yes. तो बन गया टेट्राहेड्रल तो सर इतना करने का तो भाई सबको देखने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है चल <laughs> नहीं चल रहा है लेकिन अभी मैं दो मिनट चलाऊंगा और ऐसे मत बोलना मतलब तो रिकॉर्ड हो जाएगा अभी भी ये रिकॉर्ड हो रहा है फनी हो जाएगा ठीक है <laughs> डोंट ये भी एक समस्या हो गया है मेरे यहाँ एक साथ दो ऐसी नहीं चला सकते हैं ओके okay, तो एक्चुअल में मान लेते हैं मार्कर है ठीक है तो भाई मार्कर तो मार्कर है अब कोई मार्कर को ऐसे देख रहा है अब मैं मार्कर को ऐसे देख रहा हूँ तो क्या देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मार्कर चेंज होगा ये आप लोग से पूछ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्कर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि बेज ने चीज़ों को किसी और तरीके से देखा तो बेज ने क्या किया बेज ने ए को बी को और सी को किसको किसको उस कायरल कार्बन को और इससे अटैच दो ग्रुप को सेम प्लेन में रखे और इस इन तीनों को वन टू थ्री ए बी एंड सी इन तीनों को सेम प्लेन में ऐसे करके चीज़ों को देख रहे हैं तब उसके रेस्पेक्ट में ए ए हो गया और ए बिलो हो गए तो पता नहीं कि डॉटेड वाला बिलो रहता है ए ए रहता है yeah. करेक्ट लेकिन फीसर ने क्या किया फीसर ने उस बस कायरल कार्बन को पकड़ के रखे फिसर ने बस किसको पकड़ के रखा कायरल कार्बन को और उसके बाद उन्होंने क्या किया कायरल कार्बन को पकड़ के रख रहे हैं ऐसे में पकड़ के रखा जैसे मैंने इस यहाँ पे एकदम सेंटर पे पकड़ के रखा था और बाकी इन दोनों को क्या किए ऊपर ऐसा सोचे कि लोहे का कोई फ्रेम खरीद के लाए चार और ऐसे कर दिए इन दोनों को ऊपर और बाकी इन दोनों को क्या नीचे और मैं किसको पकड़ के रखा हूँ कार्बन को और ऐसे चीज़ों को देख रहा हूँ राइट तो ये भी तो देखने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अब क्या करता बेचने क्या क्या कि इन दोनों को हाइट वो एक प्लेन में तब ऊपर और नीचे नजर आता और ऐसे फीसर क्या किया है बस कार्बन को पकड़ के रखे हैं बट मैं आपको एज ए टीचर सजेस्ट करूँगा कि इतना में उलझने का रिक्वायरमेंट नहीं है जस्ट फीसर प्रजेंटेशन के लिए मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज लिए डिकेसन में जो मिलेगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फीसर प्रजेंटेशन के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं प्लस साइन का और इन दोनों का इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पे मेरा कायरल कार्बन रहेगा कौन रहेगा स्टूडेंट कायरल कार्बन और यहां पे ए बी एम एन तो सर फिर इसका मतलब है कि मैं लिखवा दूंगा इसमें लैंग्वेज बनाऊंगा वहां पर बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं था लेकिन अभी जो मैंने बताया तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज के लिए ऑल द टाइम प्लस साइन का यूज करेंगे फीसर प्रेजेंटेशन में कायरल सेंटर को दिखाने के लिए कौन सा साइन का प्लस साइन प्लस साइन का इंटरसेक्शन पे कौन रहेगा कायरल सेंटर सर ऊपर वर्टिकल लाइन पे किसको रखेंगे हॉरिजेंटल लाइन पे किसको रखेंगे रैंडम है आपकी मर्जी है करेक्ट लेकिन अगर इसके डेप्थ में अगर कोई पूछेगा कि वर्टिकल लाइन पे है वो क्या है और हॉरिजेंटल लाइन पे है वो क्या है तब वहाँ पे आप कभी अगर लाइफ में टीचर बन गए तब उस टाइम के लिए आप बोल सकते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन पे था का। मैं कार्बन को अगर मैं कार्बन को व्हाइट बोर्ड के प्लेन में इमेजिन करता हूं इस कार्बन को कहाँ पे कभी कभी आप लोग भी बोलिए भाई व्हाइट बोर्ड के प्लेन में तो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के रेस्पेक्ट में मेरा ए वाला ऊपर है कहाँ है ऊपर और इस व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में ए और भी कहाँ है वाइट बोर्ड के नीचे करेक्ट मतलब ए एम है ए एन है और ए ऐसे है समझ गए बट फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए ये बार बार ऐसे नहीं करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए सिर्फ ए भी कार्बन भी नहीं दिखाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए सिंपली जस्ट लाइक दिस ए बी एम एन समझ गया स्टूडेंट बट अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि फीजर प्रेजेंटेशन में हॉलजेंटल लाइन पे जो रहता है वो जिस प्लेन में मेरा एक कायरल कार्बन है उसके रेस्पेक्ट में ऊपर रहता है या नीचे रहता है तब बोलना है उस इस कायरल कार्बन के रेस्पेक्ट में एवब रहेगा और इस कायरल जो वर्टिकल लाइन पर रहता है वो इस कायरल कार्बन के रेस्पेक्ट में नीचे रहेगा करेक्ट ना yes. किसी को फीसर प्रेजेंटेशन समझ में प्रॉब्लम लिखिए एक लाइन नीचे मिला लीजिएगा the configuration of chiral center in fischer presentation the configuration of chiral center in fischer presentation is presented as is presented as प्लस साइन का तो ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस साइन ठीक है एंड कायरल कार्बन बींग ऑन द सेंटर एंड कायरल कार्बन बिंग ऑन द सेंटर द मीनिंग ऑफ सेंटर मतलब यहां पे राइट एंड कायरल कार्बन बींग ऑन द सेंटर एंड ग्रुप प्रजेंट ऑन हॉर्जेंटल लाइन and group present on horizontal line are above the plane with respect to chiral carbon plane group present on horizontal line are above the plane with respect to chiral carbon plane and group present on and group present on vertical line are below the plane with respect to काइरल कार्बन प्लेन करेक्ट ना ठीक है एवरीवन? एंड ग्रुप प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन आर एवब या बिलो आर बिलो विथ रेस्पेक्ट टू विच प्लेन जिस प्लेन में मेरा कायरल कार्बन है राइट तो अगर मेरा कायरल कारण व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो रहेगा वो व्हाइट बोर्ड के अंदर जाएगा और जो वर्टिकल लाइन पर जो हॉरिजेंटल लाइन पर रहेगा वो व्हाइट बोर्ड के बाहर आएगा अतः इमेजिन कर लीजिए डैम्स और टेट्रा हेडल नजर आएगा करेक्ट हाउ नहीं कायरल कार्बन वन कायरल कार्बन है तो भाई इसका बेस प्रेजेंटेशन बोलूंगा सर बेस प्रेजेंटेशन बोलिएगा तो बस मुझे इस तरीके से ड्रॉ कर देना है राइट और ये मेरा कायरल कार्बन है करेक्ट कहाँ किसको रखें ये आपकी मर्जी है सी एच थ्री सी एल एच डी मैं कुछ भी प्लानिंग करके नहीं किया रैंडम जहां मर्जी उसको बैठा दीजिए राइट अगर सिर्फ तो प्रेजेंटेशन ही तो बोला गया है कि प्रजेंटेशन करना है दिस इज व्हाट बेच प्रजेंटेशन इज इट राइट अगर इसको फीसर प्रजेंटेशन में ड्रॉ करना रहता तब क्या करते ऐसे ड्रॉ कर लिए कितना पोजिशन वन टू थ्री एंड फोर सर सी एस थ्री सी एल एच एंड डी इज इट राइट ज योर फिशर प्रेजेंटेशन दिस वन नहीं नहीं इट इज नॉट कंपलसरी बस डॉटेड एंड बोल्ड डॉटेड एंड बोल्ड ओके मतलब डॉटेड का मतलब नीचे और बोल्ड का मतलब ऊपर ठीक है अब इसको आप नीचे इस डॉटेड को नीचे भी दिखा सकते हैं ऊपर भी दिखा सकते हैं इट इज़ नॉट कंपल्सरी ओके okay? yes. चलिए इस कंपाउंड को फीसर प्रजेंटेशन में रिप्रेजेंट कीजिए तो देखिए स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग टाइम एक लाइन में अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर रहेगा अब इसमें ऐसे भी कर सकते थे यहाँ देखिए कि सर एक हॉजेंटल लाइन बना देंगे और दो वर्टिकल फीसर प्रजेंटेशन के लिए और सर सी एच थ्री सी एल एच डी एच सी एच थ्री बट ए रॉन्ग है कन चूँकि फीसर प्रेजेंटेशन के लिए कोई इसको तो इस पर कोई काम किया होंगे ना कि लेकिन किसी का प्रोजेक्ट रहा होगा इसके लिए गोल्ड मेडल मिला होगा राइट yes. इस प्रेजेंटेशन को डेवलप करने के लिए तो एक्चुअली उन्होंने कन्वेंसन ड्रॉ किया कि फीसर प्रजेंटेशन के लिए अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर रहेगा तो वर्टिकल लाइन शुड बी वन एंड हॉरिजेंटल लाइन इन फीसर प्रेजेंटेशन नंबर ऑफ़ हॉरियेंटल लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर लिख लीजिए तो फिशर प्रेजेंटेशन में वर्टिकल लाइन कितना रहेगा आज के बाद वन रहेगा एक लाइन लिखना है इन फिशर प्रजेंटेशन प्रेंटे, वर्टिकल लाइन शुड बी वन एंड हॉरिजेंटल लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर हॉरिजेंटल लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन फिशर प्रेजेंटेशन वर्टिकल लाइन शुड बी वन एंड नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर तो अब इसको प्रेजेंटेशन को ड्रॉ कीजिए हेलो एवरीवन तो इसका प्रजेंटेशन कर लिया आप लोग yes, अब इसमें भी आपको इस बात के लिए डिसाइड नहीं करना है कि सर इस कारियल सेंटर को ऊपर में रखें या नीचे रखें आपकी मर्जी है ठीक है सी एल एच सी एस थ्री मैं बिल्कुल विदाउट एनी प्लानिंग रैंडम प्रजेंटेशन किया हूँ ठीक है क्योंकि मेरा टास्क था कि सिर्फ फीसर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर देना है करेक्ट कारियल सेंटर हाँ बिल्कुल नहीं ये तो मैं वही तो मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन में सिर्फ था ओनली प्रेजेंटेड फीचर प्रेजेंटेशन विदाउट एनी कंडीशन तो जहां मर्जी वहां रख दीजिए राइट मतलब इसका और भी आपको फ्रीडम है कि इस सेंटर को आप ऊपर भी रख सकते हैं नीचे भी रख सकते हैं करेक्ट ना इस कंपाउंड में हाउ मेनी कायरल सेंटर ए भी कायरल है ए भी कायरल है ए भी कायरल है ए भी, है, ए भी कारल। ए कारल नहीं है कर ध्यान से देखिए अरे भी कायरल नहीं है समझे मतलब जो भी बोले हैं तो इसका मतलब हाउ मेनी कायल सेंटर और इसका फार्मूला क्या है देखिए तो सी सिक्स है एस ट्वेल्व ओ सिक्स ये क्या है क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को बिल्कुल माफ है और क्रैश कोर्स के बच्चों को बिल्कुल माफ नहीं है कि अगर इसको गुलकोच बोलते हैं ये है एल्डोहेक्सोज और एल्डो हेक्सोज में वाली टू इज ग्लूकोज करेक्ट इट इज एल्डोहेक्सोज लेकिन क्लास ट्वेल्व के बच्चे अभी अपने आप खुश करने के लिए ग्लूकोज बोलेंगे तो उनको माफ़ है क्योंकि मैं नहीं पढ़ाया हूँ बट जो एग्ज़ाम इस बार दे दिए हैं या जिनका पास आउट हो पास हो गए तो उनको में पता है कि सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ए फ्रक्टोज भी हो सकता है और ऐसे दिखाए हैं तो लग रहा है कि इसमें ए है ग्लूकोज जैसा बट इसके अंदर सोलह कंपाउंड है सिक्सटीन उसमें वाली टू इज ग्लूकोज तो so, अब यहाँ देखिए तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अब यहाँ पे फीसर प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं तो थोड़ा इसका भी सीख लेते हैं तो एक्चुअल में वैसा कायरल वैसा कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर और अल्डीहाइड भी है तो एक कन्वेंशन डेवलप किया गया है कि किल्डीहाइड फीसर प्रजेंटेशन में अल्डीहाइडी ग्रुप को ऊपर रखेंगे कहाँ रखेंगे ऊपर में रखते हैं एक कन्वेंसन है ठीक है कितना कायरल सेंटर है तो यहां पे कितना ऑरिजेंटल लाइन और आपको तो सिर्फ प्रजेंट करने के लिए बोला तो है तो कहा कैसे को बैठाएं तो अपना मर्जी है रैंडम बैठा सकते हैं करेक्ट जब कुछ कंडीशन दिया हुआ ही नहीं है तो मैंने ड्रॉ कर दिया राइट ये मेरा कायरल है ये मेरा कायरल है ये कायरल तो इसको ड्रॉ करने का मेन सेंस था कि वैसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन है इस टाइप का सिचुएशन और अल्टिहाइडी ग्रुप है तो उसको फिशर प्रजेंटेशन में ऊपर रखेंगे ना कि नीचे एक कन्वेंसन है ठीक है हो गया ना हावनी कारगल कार्बन फर्स्ट थ्री तो वर्टिकल लाइन एक रहेगा और लाइन तीन रहेगा राइट right? yes. अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं सी एल एच सी एस थ्री मैं कोई प्लानिंग करके कर, कर, कर रहा हूँ या रैंडम रैंडम चल रहा है ना अभी बी आर एच डी एच सी एस थ्री बस प्रेजेंट करना था दिस इज वट फीसर प्रेजेंटेशन करेक्ट अब लिखिए। सोहर्स प्रेजेंटेशन फर्स्ट कंडीशन लिखिए दिस इज अप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड दिस इज अप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड व्हिच हैज एटलीस्ट टू कायरल सेंटर दिस इज अप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड ज ऐट लीस्ट टू कायरल सेंटर जिसके पास एटलीस्ट कितना कायरल सेंटर रहेगा दो कायरल सेंटर मिनिमम दो होना पड़ेगा करेक्ट ना यहां देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट गुलेल का नाम सुने गुलेल एक अच्छी वाला में प्रॉब्लम था वर्कआउट में ऐसा एक सेप राइट इमेजिन कर लीजिए अब बिल्कुल डिटो ऐसा ही एक शेप आगे रख दें इमेजिन कर पा रहे हैं बाकी लोग तो पूछ रहे हैं <laughs> बिल्कुल डिटो ऐसा ही यहां पे एक बॉन्ड ऐसे लेके चले करेक्ट और यहां पे फिर वापस ऐसा ही सेप बना दें तो आपको नहीं कि इसके सामने ऐसे बिल्कुल इससे पीछे वाला ढक जाएगा पैरल हो जाएगा जस्ट लाइक दिस करेक्ट इसके आगे ए पैरल हो जाएगा और इसके आगे ए पैरल हो जाएगा करेक्ट ना ये मुझे रिक्वायरमेंट होगा कॉन्फॉर्मेशनल आईसो में कहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल में वहां का बैकग्राउंड थोड़ा अभी बना लेते हैं तो एक तो ये हो गया तो इसी टाइप का आइडेंटिकल अगर ऐसे कर देंगे करेक्ट इसका मतलब सौहर्ष प्रेजेंटेशन में दो कैपिटल बाई बनाना है कितना कैपिटल बाई दो कैपिटल बाई दो और दोनों कैपिटल बाई को या तो सीधा लिख दें और नहीं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उल्टा लिख दें करेक्ट सबसे आसान रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखिए जो बोल रहे हैं उससे आपको डी के सी में क्वेश्चन बनेगा ठीक है इसलिए उसको ध्यान से सुनिएगा लेटर सपोज सी एस थ्री सी एच सी एल सी एच बी आर सी थ्री हाउ मनी कायरल सेंटर इसके लिए मिनिमम दो सेंटर चाहिए तो यहाँ पे दो कैपिटल वाई तो ये जो बाई का ये तीन लाइन का जो इंटरसेक्शन है वही मेरा कायरल सेंटर रहेगा करेक्ट और सी एल अब इसमें भी रैंडम एच सी थ्री और बस इसको मिला देना है एच बी आर सी एस थ्री अब इज फिर अभी जस्ट आपको दिखा रहे थे तो आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए आप यहां से देख रहे हैं करेक्ट ना तो नहीं था कि इसके आग, इस अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो इसके पीछे ए तीनों हाइड होगा yes, इसका मतलब है कि इस ए बॉन्ड दिस बॉन्ड इज पैरल टू दिस बॉन्ड क्या बोल सकते हैं yes, ए बॉन्ड और ए बॉन्ड आपस में क्या हो जाएगा पैरल हो जाएगा गया स्टूडेंट और इसके पैरल कौन जाएगा सर इसके पैरल ए रहेगा रहे राइट इसके पैरल कौन रहेगा सर इसके पैरल ए रहेगा करेक्ट ना आगे चलकर इसी फॉर्म को कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में एक्लिप्स फॉर्म बोल देंगे कौन सा एक्लिप्स फॉर्म करेक्ट नाम सुना ना स्टैगर्ड एंड एक और एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा कि एक बाई सीधा और एक बाई उल्टा करेक्ट तो फिर इस तरीके से ध्यान से देखिएगा तो नहीं लगता कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में दिखाई पड़ेगा इमेज इमेजिन कीजिए एक बाई एस और दूसरा बाई जस्ट उल्टा तो इन दोनों लाइन के बीच में वो वाला उल्टा लाइन रहेगा राइट इसका मतलब तो इन दोनों लाइन के बीच में लाइन नजर आएगा मतलब सर यहाँ पे कोई भी बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को हाइड नहीं करेगा पैरल नहीं जाएगा और सब अगर इस तरफ से भी देखेंगे तो मुझे सब भिजुलाई होते रहेगा करेक्ट इस इसका मतलब ये तीनों तो दिखाई पड़ेगा ही ए भी दिखाई पड़ेगा ए भी दिखाई पड़ेगा और ए भी दिखाई पड़ेगा करेक्ट और यहां पे विदाउट एनी प्लानिंग जहां मर्जी वहां बैठा रहा हूं इसका मतलब सोहर्स प्रेजेंटेशन का याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सर सौज प्रेजेंटेशन करने का दो तरीका है या तो दोनों बाइक कैपिटल बाइक को सीधा कर दें और बाइक सेंटर से इसको पॉइंट को मिला देंगे तो वही मेरा क्या रहेगा एक कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा एक क्या एक ये पॉइंट कौन सा कार्बन है दिस इज द कायरल कार्बन राइट दिस इज द कायरल कार्बन और दूसरा तरीका हो सकता है कि वन ऑफ द बाइक को सीधा और दूसरे बाइक को उल्टा इन्वर्टेड राइट right? तो इसमें मिनिमम दो कैपिटल बाई चाहिए था इसका मतलब मिनिमम दो, दो कायरल सेंटर रहेगा तभी आप सोहर्स प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर सकते हैं करेक्ट ना चलिए स्टूडेंट इसको हटाया जाए स्टूडेंट टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोन स्ट्रक्चरल आइसोम्यजियम के लिए कितना इंपॉर्टेंट था या रिएक्शन के लिए इमेजिन कर लीजिए सर उसके बिना तो काम ही नहीं चलता टोटल डिराइव करने के लिए राइट right? yes, उसके बिना क्या टोटल हाउ टू डिटरमाइन द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोम्योजियम जो पहले बिफोर चेन फंक्शन पढ़ने के पहले जो डिराइव करते थे क्या उसके बिना काम चलता मेरा yes. नहीं चलता इसका मतलब है कि इन सिमिलर फैशन अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं इसका नाम है आर एस कॉन्फिग्रेशन और भाई हम लोग टाइम में तो बिल्कुल बोल्ड लेटर में लिखा रहता था, था कि आर एस कॉन्फिग्रेशन इज एक्सक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड बट 2016 के जेई मेन में, में इससे क्वेश्चन आया है जेई मेन में, में. और अभी भी इसको लिखा रहता है कि दिस कॉन्फ दिस दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस अब फिर भी मैं सेवन स्टार दे दिया इसका मतलब विदाउट आर एस कॉन्फिग्रेशन और बहुत अच्छे से मुझे आपको विजुलाइज़ करवाना है पढ़ाना है तो मैं ऑप्टिकल आइसोमियम नहीं पढ़ा सकता हूँ अभी आपका ऑप्टिकल आइसोम शुरू नहीं हुआ है वाडे वर्ड अभी ऑप्टिकल आइसोम पढ़ने का फाउंडेशन बनाया जा रहा है माहौल समझे अभी जस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है अभी अभी तो ऑप्टिकल आइसोम का डिफिनेशन ही नहीं दिए हैं राइट तो एक्चुअल में आर एस कॉन्फिग्रेशन इतना इम्पोर्टेंट है विदाउट दिस वन हम लोग नहीं समझ सकते हैं तरीके से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मुझे समझाना है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बता पाएंगे बट इसके हेल्प से हम लोग इज एंड एवरी आपको समझा पाएंगे तो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ आर एस कॉन्फिग्रेशन एंड आई विल सजेस्ट यू कि इसको बहुत बढ़िया समझिए तो आर एस कॉन्फिग्रेशन क्या है ट्रांस क्या था स्टूडेंट इट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिग्रेशन नाम न आइसोमर जो आइसोमर था कुछ तो नाम बोलते दिस इज दिसन दिसन राइट अबाउट सी डबल बॉन्ड सी अबाउट एक्टिव डबल बॉन्ड हम लोग को एक नाम दे बोल रहे थे ये तो पता था कि जोमेट्रिकल आइसोमर है बट उसका सीस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म सीस and transform is the name but it is kind of configuration right this is this configuration this is trans configuration this is e configuration this is z configuration वैसे ही काइरल सेंटर का भी नाम बोलिए या उसका कॉन्फिगरेशन बताने के लिए भी डिसाइड किया गया दो चीज r कॉन्फिगरेशन या s कॉन्फिगरेशन करेक्ट यहां देखिए स्टूडेंट एक कोई एटम है यहां पे बी सी डी अब मान लेते हैं एक लोन पेयर है करेक्ट ना ठीक है अरे तो पक्का आप लोग को पता है कि लोन पेयर हाईब्रिड से प्योर पी में जा सकता है इन टाइम एट द टाइम ऑफ रिजुन तो भाई लोन पेयर हाइब्रिड से प्योर पी में जाने के लिए क्या कहते कि किसी दूसरे ऑरबाइटल में जंप करता है या अपने ऑरबाइटल को ही मॉडिफाई कर लेता है अपने ऑरबाइटल को कैसे मॉडिफाई करता है तो सर इसको पुल कीजिएगा जब मैं इस आपको जब अम्ब्रेला इफेक्ट इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगेसन पढ़ाते रहूंगा तो उसका वीडियो मैं भेजूंगा आप देखिएगा वहाँ से बहुत बढ़िया विजुलाइज हो जाएगा दिस इज नॉट द राइट टाइम तो जब इसको पुल करेंगे तो इसका साइज छोटा होगा इसका साइज बड़ा होगा अरे दोनों का साइज इक्वल हो जाएगा तो नाउ इट बिकम्स प्योर पी जब प्योर पी रहेगा तो प्योर पी का हार्वसन क्या होता है ट्रायंगुलर प्लेनार तो भाई ट्रायंगुलर प्लेनार कभी कला क्षेत्र में जाइएगा तो इस टाइप का एक खिलौना है जिसमें उसका बहुत सारा आर्म बना हुआ है घूमता है तो वो आर्म ऊपर उठ जाता है जहाँ पर इंजन है ना ट्रेन बच्चों का ट्रेन जिसमें हम लोग भी बैठ जाते हैं कला क्षेत्र में उसके बगल में ही ऐसा है जब रोटेट करना स्टार्ट करता है तो देखिएगा विंग्स ऐसे उठता है ठीक है तो नहीं लगता है कि सर ए तो अभी पिरामिडल है ए नीचे आएगा तो ए तीनों ए तीन ग्रुप ऊपर जाएगा तभी तो सेम प्लेन में आप आएगा राइट बड़ा इंटरेस्टिंग है ए नीचे तो ए तीनों ऊपर राइट और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे दोनों का साइज अगर इक्वल हो गया तो समथिंग लाइक दिस डी एंड बी और अभी मेरा तीनों एक व्हाइट बोर्ड के प्लेन में और ए क्या रहेगा उसके रेस्पेक्ट में एब द प्लेन एंड बिलो द प्लेन इसको और पुल करेंगे तो, तो सर अब ये तीनों ऊपर चला जाएगा राइट right? yes, और सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस बिल्कुल जस्ट उल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो गया कॉन्फिग्रेशन नीचे था अब क्या हो गया ये सब ऊपर हो गया तो दो ही चीज़ तो हो सकता था किसी एक रेस्पेक्ट में या तो ये नीचे और नहीं तो ये तीनों ऊपर करेक्ट तो ये जो नीचे और ऊपर जो हुआ है इसी में से किसी एक कॉन्फिग्रेशन को हम लोग इसका दो ही पॉसिबल है अगर इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो क्या थर्ड पॉसिबल था अगर इसको हम लोग एस पी थ्री और बाइटल मानते हैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो या तो ये और वाइटल ऊपर रहेगा हाइब्रिड के केस में और नहीं तो ये हाइब्रिड बन के नीचे रहेगा हाइब्रिड बन के ऊपर रहेगा तो ये तीनों नीचे रहेगा और इन दोनों को हम लोग डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन लेंगे और डिफरेंट मानना भी चाहिए अभी ये तीनों इसके रेस्पेक्ट में नीचे था अभी ये तीनों इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया है ऊपर हो गया है तो इन सिमिलर फैशन काइरल सेंटर का भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू तो नोट दैट कायरल सेंटर का भी इसी दो पॉइंट ऑफ व्यू से या तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है भाई टेट्राहेड्रल में सिचुएशन ऐसे होता है मान लेते हैं कि ये कोई मेरा बी है सी है और यहां पे डी है ई e है यहां देखिए और बी के रेस्पेक्ट में अगर मैं देख रहा हूं तो बी के रेस्पेक्ट में सी डी ई और इन तीनों के रेस्पेक्ट में बी ऊपर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको बी को नीचे कर दें तो ये तीनों कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा राइट जस्ट उल्टा हो गया तो इन सिमिलर फैशन कायरल सेंटर का भी दो कॉन्फिग्रेशन डिफाइंड किया गया है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बहुत आसान सा है उसका नेमिंग ये आर किस बोलेंगे बट एस बट आपको भी होना चाहिए कि आर और एस दो ही क्यों बोलेंगे थर्ड टी और भी क्यों नहीं बोलेंगे तो एक्चुअली इस वजह से या तो बी ऊपर रहेगा नहीं तो बी नीचे रहेगा समझे इसका मतलब आर एस कॉन्फिगेशन क्या है सर इट इज काइंड ऑफ कायरल सेंटर का दो फॉर्म है जैसे अबाउट डबल बॉन्ड या तो सी नहीं तो ट्रांस या ई नहीं तो जेड वैसे ही कायरल सेंटर का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में टू डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन मिल सकता है जिसमें वन ऑफ द ओरिएंटेशन का नाम आर बोलेंगे और दूसरे ओरिएंटेशन या कॉन्फिग्रेशन का नाम क्या बोलेंगे जेड बोलेंगे ये कॉन्फ्यूजन है क्या इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पेशियल अरेंजमेंट सीस में क्या होता था एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पेशल अरेंजमेंट देखते थे ट्रांस में भी क्या रहता था स्पेशल अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में डिफर करता था वैसे ही आर में क्या रहेगा आर में ग्रुप का डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में करेक्ट है एवरी वन और लास्टली सर हम लोग को आर एस कॉन्फ्यूजन पढ़ना है इसके इसके हेल्प से हम लोग को आगे कुछ सीखना पड़ेगा ठीक है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल क्लास में ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो बोल दिया हूँ कि नहीं शुरू है बट एक्चुअल में शुरू हो चुका है बहुत डेप्थ में शुरू हो गया है नेक्स्ट क्लास मतलब सैटरडे क्लास में एक मिनट ये सबको सुनना पड़ेगा जो क्लास मिस कर गए हैं और मेरा एक काइंड रिक्वेस्ट है कुछ ऐसा ही है कि हाउ टू तो राइट रिजेंटिंग अ स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है वो अब समझ में आने लगा है वैसे ही प्लीज़ एवरी जो आज के क्लास नहीं भी किए हैं आज आप वीडियो देख भी कर सकते हैं ये जब पढ़ा निकालने के लिए सिखाते रहूँगा प्लीज़ मिस मत कीजिएगा इसको सीखने के लिए एक बार सी आई पी देख कर आइएगा सिक्वेंस रूल ठीक है बिल्कुल नहीं मिस करना है अगर इसको मिस कर गए तो अगला पाँच क्लास तक मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको नहीं समझ में आएगा आप कोशिश भी करते रहेंगे तो इसलिए नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है